Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya. अरे जाने दो यार, घर पर माताजी इंतजार कर रही होंगी। गलत, तुम्हारे बिना पार्टी का मजा ही क्या, गाना तो सुनाना ही पड़ेगा। घर पर हम फोन कर देते हैं। करेक्ट, चलो 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 चलो, चलो, चलो। Ladies and gentlemen, I present before you Shankar Chaudhary. Log peete hain, lad khadate hain, दिल से दुनिया का गम मिटाते हैं। लोग पीते हैं, लड़खड़ाते हैं, दिल से दुनिया का गम मिटाते हैं। एक हम है कि तेरी महफिल में प्यासे आते हैं, प्यासे जाते हैं। खुश है सब और खुशी नहीं मिलती, जिंदा है जिंदगी नहीं मिलती। जल रहे हैं चराग उम्मीदों के, जल रहे हैं चराग उम्मीदों के, और कहीं रोशनी नहीं मिलती। रोशनी का फरेब खाते हैं, रोशनी का फरेब खाते हैं। प्यासे आते हैं, प्यासे जाते हैं।
लोग पीते हैं लड़खड़ाते हैं। महकी महकी हुई फजा को सलाम, बहकी बहकी हुई हवा को सलाम। इन बहारों से तो भली है खिजा, इन बहारों से तो भली है खिजा। इन बहारों की हर अदा को सलाम, जिनमें सौ जख्म मुस्कुराते हैं, जिनमें सौ जख्म मुस्कुराते हैं। प्यासे आते हैं प्यासे जाते हैं, लोग पीते हैं लड़खड़ाते हैं। दिल से दुनिया का गम मिटाते हैं, एक हम है के तेरी महफिल में। प्यासे आते हैं प्यासे जाते हैं। कीजिए, मुझे कोई टैक्सी नहीं मिल रही। अगर आप टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आइए। शुक्रिया। चलो। टैक्सी स्टैंड पर उतार दीजिए। प्लीज सरदार जी, ये तो बेहोश हो गए। बेहोश? साहब, इसे यहीं उतार दीजिए, वरना हम दोनों पुलिस के चक्कर में फंस जाएंगे। एक जख्मी और बेहोश आदमी को सड़क पर कैसे उतार दो? किसी हॉस्पिटल ले चलो। अस्पताल वाले तो पहले पुलिस को खबर करेंगे। आपकी जान पहचान का कोई डॉक्टर है? अच्छा चलो। कैसा है पिताजी? जगर इज मिस द लंग नर्वली, काफी खून बह चुका है, कुछ कहा नहीं जा सकता। समझ में नहीं आता तुमने इतनी बड़ी आफत सर पर क्यों ले ली। एक शरीफ आदमी इस हाल में अब करता भी तो क्या करता पिताजी। लेकिन पुलिस कैसे यकीन कर लेगी कि जो कुछ तुमने किया सिर्फ शराफत के नाते किया। खाम खा तुमने अपने आप को मुसीबत में फंसा लिया। दूसरों के खातिर आप भी तो बड़ी बड़ी मुसीबतें अपने सर ले लेते हैं। अगर शंकर बाबू ने चुप रहो। 30 साल कंपाउंडरी करने के बाद तुमने एक पुलिस केस को यहां रख कैसे लिया? पुलिस केस? पुलिस के हाथ में जाएगा तो पुलिस केस बनेगा ना। अभी तो केस आपके हाथ में है। अपनी बेवकूफी पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो।
देखता हूं ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्या बंदोबस्त हो सकता है। शंकर, ये पुलिस का क्या मामला है? एक मरीन ऑफिसर की मां होकर भी तुम कितनी जल्दी खड़ा हो जाती हो। मां का दिल ऐसा ही होता है। क्या कह रहे थे तुम्हारे पिताजी? अरे उनकी आदत तो आप जानती ही, जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसे सबसे ज्यादा डांटते हैं। सुन लिया ना, चलो बहुत भूख लगी। चलो चलो चलो, आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था। कशी रखिए, ठीक है, चलो चलो। थैंक यू सर। क्या कहें सर, एक आदमी गिरफ्तार किया गया है जो किसी को छुरा मार के भागना चाहता था। और भी कोई माल बरामद हुआ? जी हाँ, ये हीरे। जग्गू के आदमियों का काम मालूम होता है? जी हाँ। कुछ बताया उसने? जी नहीं। बुलाओ। मुजरिम का नाम? जग्गू के गिरोह ने काफी दिनों से परेशान कर रखा है। चोरी, डाका, स्मगलिंग, जुआ, क्या क्या नहीं करते ये लोग। अजीब बात यह है कि अच्छे अच्छे घरों के पढ़े लिखे लड़के इनके गिरोह में शामिल। जी जग्गू के आदमी हो? क्या नाम है? शेख मोहम्मद। माइकल जॉन, तुम सारी दुनिया को धोखा दे सकते हो, मुझे नहीं। बताओ किसको छुरा मारा? बताओ किसको छुरा मारा है? जग्गू कहां है? हां, जग्गू कहां है? नहीं, क्यों नहीं? माइकल जॉन बिना हीरा दिए हमारे 6,000 रुपए मारना चाहता था। उसने शेखर को छुरी से घायल कर दिया। माइकल ने जग्गू के आदमी पर हाथ उठाया और तुम लोग खड़े मुंह देखते रहे। उसके टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं कर दिए तुमने? ऐन मौके पर पुलिस ना पहुंच जाती तो यही होता उस्ताद। शेखर कहां है? अस्पताल, पुलिस स्टेशन, सब जगह छान मारी लेकिन उसका पता नहीं चला। ये तुम्हारा दोस्त शेखर कहीं माइकल की तरह हमारे रुपए मार तो नहीं जाना चाहता ना? कभी शेखर कभी बेईमानी नहीं कर सकता, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। लेकिन एक चीज याद रहे, मुझे कल तक रुपए मिल जाने चाहिए। जरूर मिल जाएंगे, मैं आज इसे ढूंढ निकालूंगा। कल रात डॉग के पास? हाँ। परेशान होने की जरूरत नहीं, आप हमारे घर पर हैं। मेरे रुपए? रुपए पिताजी के पास हैं। मेरी माता जी। घबराओ नहीं बेटा, आप कोई खतरे की बात नहीं। शंकर, इनका पता पूछकर खबर भिजवा दो, घर पर न जाने सब कितने परेशान होंगे। आपका नाम? शेखर। और एड्रेस? 41/9 चेतला रोड।
औरों को तो चोटें लगती रहती हैं, आप क्यों अपना रुमाल खराब करते हैं? अरे मुझसे ज्यादा तो मेरी साइकिल जख्मी हो गई, आप जरा इसे ठीक कर दीजिए ना। पहले अच्छी तरह सीखना चाहिए तब चलाना चाहिए। बिना गिरे कोई साइकिल चलाना सीख सकता है? हाँ ये बात तो ठीक है। थैंक यू। अरे मुन्ना सुनो तो सही। मुन्ना नहीं डाकू, डाकू है मेरा नाम। डाकू? अच्छा डाकू साहब ये मकान नंबर 41 किधर है? 41 वो तो हमारा मकान है, किससे मिलना है? शेखर बाबू तुम्हारे कौन है? ओ शेखर बाबू वो तो तीसरे मंजिल पे रहते हैं, आइए बता दूं। नवाब साहब है? ओ बच्चों के बाबा देखिए अपने लाडले की करतूत, सुबह से पढ़ाई लिखाई बंद करके साइकिल उठाए मोहल्ले के चक्कर काट रहा है, नाक में दम कर दिया इस कमबख्त ने। चल तो जरा ऊपर तेरी टांगे तोड़ दूंगी, चल देखता क्या है। आज माँ से पिटाई होगी? माँ नहीं मामी, मेरे माँ बाप तो कब के मर चुके हैं। वो रही आपकी साइकिल, मैं जानता था ये डाकू का ही काम है। क्यों रे सही सलामत तो है ना? हैं लग गई चोट, चल घर चल, टिंचराइडिन लगा दो। टिंचराइडिन? हाँ जरा इसे पकड़िए तो। अरे डाकू सुन तो सही, बड़ा ही शरारती है, देखा आपने? बच्चे शरारती होते ही। हाँ साहब मैं भी बचपने में बड़ा ही शरारती था। हाँ लो भाई अपनी चीज संभालो, बड़े ही भगवान हो जैसी की वैसी ही मिल गई। चलो देखो उसको, नहीं तो उसकी मामी मुझे ही खा जाएगी। आया शेखर बाबू। भैया घर पर नहीं है। मुझे मालूम है। मालूम है? जी हाँ। घर पर और कोई है? जी नहीं। बात क्या है? बात कुछ ऐसी है कि यहाँ कहना ठीक नहीं। आइए अंदर आइए। फरमाइए। कल रात शेखर बाबू पर किसी गुंडे ने छुरे से। छुरा? ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं। भैया कौन से अस्पताल में? अस्पताल में नहीं हमारे घर पर। आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती है। शुक्रिया मेरा स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। लेकिन अपने भाई को देखना भी तो आपका फर्ज है। अपने फर्ज को मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ, समझाने की जरूरत नहीं। आपकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही। लेकिन आपकी हर बात मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। किसने भेजा आपको? उस आवारा गुंडे श्याम ने? श्याम गुंडा? शायद आप मुझे कुछ और ही समझ बैठी है। मैं जो कुछ समझ बैठी हूँ वो ठीक ही है। तशरीफ ले जाइए यहाँ से। ये रहा हमारे घर का पता। आया क्या हुआ? क्या हुआ
ऐसा करो। इसने मेरे बच्चों पर हाथ उठाया है। बच्चों ने मुझे गिराया था। चोट तो नहीं लगी? चुप रहो। मैं पूछती हूँ, तुमने पढ़ लिख कर कौन से 10-20 मकान खरीद लिए हैं? नहीं, मकान नहीं खरीदे। पैसा कमाना कोई आसान है? हाँ, बहुत आसान है। हाँ? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो फिर इस नलायक के लिए क्यों फिर जाया की जाए? हाँ, क्यों फिर जाया की जाए? आज से इसकी पढ़ाई लिखाई बंद। आज से पढ़ाई लिखाई बंद। ये घर का काम क्या करेगा? घर का काम करेगा। चल बर्तन साफ कर, चल चल बर्तन साफ कर। अब पता चलेगा। अरे बेटे, तुझे बड़ी मार लगी है, चल थोड़ा दूध पी ले। चल बेटा। मामी की बात का बुरा मान गया? अरे उसकी तो आदत ही ऐसी है। जा तू पर जाके, मैं ये बर्तन साफ कर देता हूँ। चल चल, हाथों 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 जा जा। किसने पुकारा? जिस खातिर हमने ठुकराया है ये तख्त और ताज, आवाज उसी की आ रही है फिर से आज। अनारकली तुम्हारा दीवाना सलीम आज भी तुम्हारी याद में। सुनिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर फिर देना आएंगे, बैठो। अनारकली तुम्हारा दीवाना सलीम आज भी तुम्हारी याद में गुल गुल कर आहे भर रहा है। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। 30 साल कंपाउंडरी की है, जग नहीं मारी है। देखते ही समझ गया था कि केस बहुत सीरियस है, लेकिन कंपाउंडर साहब कुछ नहीं कर सकते। मैं ये बात नहीं 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 अनारकली, यही बात है। न बदला है न बदलेगा मोहब्बत का ये अफसाना, जमाना ठोकरे मारे। कही क्या बात? जी आपका इंतजार कर रही थी, बेचारी सर बीमार है। तुम चुप रहो। जी हाँ मिस्टर शेखर। ओ, ये बात अगर आप पहले ही कह देती तो क्या बिगड़ जाता? किसी की बात सुनने के लिए तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है? थिएटर, एक्टिंग, ड्रामा, यही तुम्हारे लिए सब कुछ है। कंपाउंडर तो तुम शौकिया करते हो। जी नहीं, जाओ इन्हें मिस्टर शेखर के पास छोड़ा। बहुत अच्छा, आइए। सुना जी, ड्राइवर से कहो मेरी गाड़ी बाहर निकाले। जी बहुत अच्छा, आइए। कभी नहीं संभलेगा यार। कैसे हो भैया? अब तो ठीक हूं। कब से कह रही हूं भैया, इन बुरे कामों को छोड़ दो, इनका अंजाम हमेशा बुरा हुआ करता है। भगवान ना करे किसी दिन। प्लीज दीलू, भगवान के लिए चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं भैया, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो। ना हमें ऐसा काम चाहिए ना ऐसी कमाई। तुम कुछ भी ना करो तब भी मेरी तनख्वाह से घर का गुजारा अच्छी तरह चल सकता है। अच्छा अच्छा सुनो। हुँ? श्याम रंजीत या और कोई मुझे पूछने आए ना तो कह देना तुम्हें मालूम नहीं। अच्छा ठीक है ना? जी हाँ। सुबह मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था, लेकिन आप सो रहे थे। जी कहिए। अच्छा, क्या मैं देखने में कुंडा लगता हूँ? जी जी नहीं तो। लेकिन आपकी बहन ने मुझे कुछ ऐसा ही समझा। सुबह जब खबर देने गया तुरंत चिंडी की तरह मुझ पर टूट पड़ी। गनीमत ये हुई कि उसके हाथ में तलवार नहीं थी, वरना यहाँ मेरी चारपाई होती। रणचंदी तो अब भी कमरे में मौजूद है। हाँ? तो मैं चला। सुबह के बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इतनी जल्दी क्या है? पहले अच्छी तरह यकीन कर लीजिए कि ना ये गुंडों का अड्डा है और ना मैं गुंडा। अब और शर्मिंदा ना कीजिए। तो क्या आपके यहाँ सब गुंडे ही आते हैं? जी नहीं, बात यह है कि हमारा मोहल्ला ही कुछ खराब है। ओह,
है भैया, मैं चलती हूँ। शायद आपकी नाराजगी दूर नहीं हुई। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, आपको साबित करना होगा। साबित कैसे? ऐसे कि आप स्कूल से थकी हुई आ रही हैं और मैं ऑफिस से, क्यों ना एक एक कप चाय का हो जाए। मामी, मामी, आज की शाम मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपका इतना प्यार देखकर मुझे अपनी स्वर्गवासी माँ की याद आ गई। मुझे भी तुम्हारा स्वभाव बहुत पसंद आया, आती जाती रहना। हाँ, जब तक भाई साहब यहाँ है तब तक तो आती ही रहेंगी, लेकिन बाद में उम्मीद ना रखना। क्यों? बता दूं सुबह वाली बात? आऊंगी क्यों नहीं माता जी, जरूर आऊंगी। शंकर, शंकर। ओ आया। ये जो कह रही है ठीक है। अच्छा माता जी, अभी जा सकती थी। अच्छा बेटी। माँ, इनके मोहल्ले में तो गुंडे बहुत रहते हैं। सच? हाँ, और अंधेरा भी हो चुका है। तो तू छोड़ आना बेटा। तुम भी चलो ना। माँ, मैं कैसे आ सकती हूँ, तेरे पिताजी के आने का समय हो गया है। मैं चली जाऊंगी माता जी, रात के वक्त अकेले जाना ठीक नहीं बेटी, शंकर छोड़ आएगा। जा बेटा जी। आइए। भैया, मैं जा रही हूँ। अच्छा, सुनो, जरा होशियारी से रहना। अच्छा। नीला, मेरे कुछ कपड़े भिजवा देना। भिजवा देती। किसी वक्त आऊँ। अच्छा, किसकी मोटर है नीला दीदी? शंकर बाबू की। पहचान लिया ना? हाँ। आज सवेरे इनके साथ मेरी साइकिल की टक्कर हो गई थी। अच्छा अच्छा, नीला दीदी ये तुम्हारे कौन है? ये वो समझ गया, दस। हाँ हाँ हाँ। अच्छा तो गुड नाइट। क्यों डाकू साहब, अब क्या मोटर चुराने का इरादा है? चुराने का नहीं, चलाने का। मुझे मोटर चलाना सिखा दो ना। बाप रे बाप, तुम मोटर चलाने लगोगे तो शहर के सारे आदमियों को जख्मी कर दोगे। पहले साइकिल चलाना सीख लो, फिर मोटर सिखा दूंगा। सच? सच शंकर बाबू? बाबू नहीं, भैया। अरे वाह, आप जैसे फाइन आदमी तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अच्छा? हाँ। टाटा। टाटा। चिल्लाना मत। शेखर कहाँ है? मुझे क्या मालूम। रुपए कहाँ? रुपए? हाँ हाँ, 6,000। मैं कुछ नहीं जानती। रुपए मेरे हवाले कर दो, वरना खैर नहीं। कह दिया ना, मैं कुछ नहीं जानती। तुम जानती हो। मैं कुछ नहीं जानती। तुम सब कुछ जानती। मैं कुछ नहीं जानती। जी हाँ शंकर चौधरी, इतराज हो तो चला जाओ। अरे ये क्या? जरा ठोकर लग गई थी। अब
भैया के लिए कपड़े देना तो आप भूल ही गई। अरे हाँ, जरा जल्दी ले आइए, मेरीन क्लब में पार्टी है, मुझे आधे घंटे में वहां पहुंचना है। क्या बात है, आप कुछ खोई खोई सी नजर आ रही है। जी मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। अच्छा, क्या लाऊं आपके लिए, ऑमलेट, फ्रूट, ठंडा, अच्छा कुछ भी ले आती हूं। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं इंसान हूँ, हैवान नहीं, अभी कितना कुछ खाकर आया हूँ, और पार्टी में भी तो जाना है ना। पहली बार हमारे घर आए हैं कुछ तो। वो पहली बार तो इतना कुछ खाया था। मजाक छोड़िए। जाइए कपड़े ले आइए प्लीज। ने तो रोक लिया। ये रहे आपके रुपए। डॉक्टर साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। इट्स ऑल राइट, इट्स परफेक्टली ऑल राइट यंग मैन। एक डॉक्टर जब अपने मरीज को तंदुरुस्त देखता है उसी में सब कुछ आ जाता है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा नमस्ते। Thank you.
हमारे लिए माल पहुंचाना बहुत मुश्किल है। चारों तरफ खुफिया पुलिस के आदमी हैं। बेहतर होगा ये काम किसी और को सौंप दें। लेकिन किसे सौंप दें? रामू जेल में है, इलियास और भोला सिंह दोनों लापता है। हाँ तुम? जी नहीं, जब तक यहां से कोकीन न हटा दिया जाए हमारे लिए माल ले जाना बिल्कुल मुमकिन नहीं। तो चूड़िया पहन के घर में बैठ जाओ, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मेरा 2 लाख रुपए का नुकसान है, 2 लाख रुपए का। अगर माल नहीं पहुंचा सकते तो मेरा 6000 रुपए वापस करो जो तुम्हारा दोस्त शेखर लेकर फरार हो गया है। झूठ! शेखर ने फरार होना नहीं सीखा और ना ही शेखर बुजदिल है। मैं पहुंचा दूंगा माल, इसके अलावा और कितने रुपए मिलेंगे? काम हो जाने के बाद 40,000 मंजूर है। पागल हो गए? अभी तुम्हारे जख्म ताजे हैं। रुपया चाहिए दोस्त, रुपया। शेखर वंडरफुल, मैं रियली नहीं जानता था कि तुम इतने दिलेर हो। थैंक यू बॉस। कम ऑन। कहाँ जाएगा? रंगून, सिंगापुर, मनीला होता हुआ जापान। आप तो सारी दुनिया घूम चुके होंगे। जी हाँ, कई बार। कितना खूबसूरत है आपका जीवन, नए नए देश, नए नए लोग। पहले तो मुझे भी ये सब बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब तो जैसे तंग आ गया। वही समुंदर, वही देश, वही लोग, लगता है जैसे अपनी कोई जिंदगी ही नहीं। सोचता हूं अब इस काम को छोड़ ही दूं। आपका क्या ख्याल है? इतने गौर से क्या देख रही है? लहरें। लहरें? लहरों में से क्या बात है? कभी कभी इंसान के दिल में भी इसी तरह हलचल मच जाती है। कोई ना कोई वजह जरूर होती होगी। शायद मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। क्यों? अरे मैं तो लेट हो गई। कहाँ जाना है? आपको मालूम हो जाएगा। आपकी हर बात मेरे लिए उलझन सी बनती जा रही है। थोड़ी देर में कम से कम ये उलझन तो सुलझ जाएगी। तुम सुनो तो कहे क्या करेगा सुन के जहां
घर पर आते ही फिर तुमने वही काम शुरू कर दिया। वही घर, वही मैं, वही काम। चलो चलो। देख नीला, असली हीरे, ये माल पहुंचाते ही मुझे 40,000 रुपया मिलेगा। भैया। भैया नहीं, रुपया। मेरे लिए इस दुनिया में रुपए से ज्यादा कोई चीज नहीं, रुपया। 40,000 रुपया। ये काम नहीं हो सकता, पुलिस साय की तरह पीछे पड़ी हुई है। मैं आज मरते मरते बचाऊं उस्ताद। बस देखो शेखर, मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन ये काम तुमने अपने जिम्मे लिया था और तुम्हें ही करना होगा, वरना तुम तो जानते ही हो। शंकर ने ठीक ही कहा था, जब तक भैया यहाँ है आती जाती रहेगी, बाद में उम्मीद न रखना। इंतजार कर करके मुझे ही आखिर फोन करना पड़ा ना। जी मैं, शेखर भी कभी नहीं आता, दिन भर क्या करता रहता है। जी वो शंकर बाबू नहीं लौटे। उसकी भली कही, उसका दिल घर में लगे तब तो। जब भी विदेश से लौट कर आता है मुझे कहता है, माँ अब तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ दिन बाद ही सूटकेस उठाकर रवाना हो जाता है। इधर जब कभी किसी जहाज के डूबने की खबर मैं सुनती हूँ तो मेरा दिल धक धक करने लगता है। तो आप जाने से रोक क्यों नहीं लेती? जवान लड़का भी कभी माँ के रोकने से रुकता है। लो, नाम लेते ही आन पहुंचा। ओहो, आज सूरज किधर से निकला था? वो तो मैंने देखा नहीं, लेकिन डूब पश्चिम में ही रहा। एक्सक्यूज मी। शंकर चौधरी स्पीकिंग। ओ वाह आंटी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। हाँ अभी भेजता हूँ। माँ तुम्हारा फोन। अभी आई। ये चुपके चुपके माता जी से मेरी शिकायतें हो रही थी। और क्या, तारीफें करने के लिए इतनी दूर आऊंगी? है तो ठीक,
लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट कह रही है कि बात कुछ और ही है। बात तो कुछ भी नहीं, दिल ने मजबूर किया, मैं चली आई। तुम्हारे दिल की इस मजबूरी से मुझे इतनी खुशी हुई है नीला कि बयान नहीं कर सकता। बिना इजाजत नाम लेने की गुस्ताखी की, बुरा तो नहीं लगा? बहुत बुरा लगा। सोच रही हूँ इतने बड़े अपराध की क्या सजा दी जाए। माता जी कह रही थी घर पर आपका दिल नहीं लगता। हाँ कह तो ठीक ही रही थी, लेकिन क्यों? जानती हो घर किसे कहते हैं? किसे? जहाँ कोई किसी का इंतजार कर रहा हो। तो उस कोई को ले क्यों नहीं आते? यही तो सोच रहा हूँ किसे लाऊं। तुम आओगी? आओगी ना? नरक नहीं बना रहा, नरक में जल्दी जाने का रास्ता निकाल रहा हूं। खैर नीला, आज तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना होगा। क्या? एक मामूली सा काम है, मेरा कुछ सामान हुगली घाट ब्रिज के नीचे पहुंचाना होगा। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मेरा आदमी वहां पहले से मौजूद होगा। अपने बड़े भाई का यह छोटा सा काम कर दो, इस घर में रुपया ही रुपया हो जाएगा। फिर देखना मैं अपनी छोटी बहन को कितना सुखी रखता हूं। बस करो, मेरे सुख की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुमने आवारा और बदमाशों का साथ पकड़ा, चोरी, जुआ, शराब, मैंने आज तक सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन यह नहीं जानती थी कि कोई भाई अपनी बहन को भी इस नीच काम में घसीट सकता है। शर्म नहीं आती से बात कहते हुए? नीला, मुझे जीने दो भैया, मेरे भी सपने हैं, अरमान है, भविष्य है। सपने, अरमान, भविष्य, बेवकूफ लड़की, उन दिनों को याद कर जब हमारे पास एक पैसा नहीं था, एक एक के आगे हाथ पसारते फिरते थे लेकिन किसी ने फूटी कौड़ी तक नहीं दी। ऐसी हालत में आज भी लाखों नहीं करोड़ों इंसान होंगे, लेकिन सब तुम्हारी तरह चोरी मक्कारी और धोखेबाजी का रास्ता इख्तियार नहीं कर लेते। बकवास बंद कर, तुम्हें मेरा काम करना ही होगा। नीला मर जाएगी लेकिन इस काम को हाथ नहीं लगाएगी। ये मेरा घर है और यहां मेरा हुक्म चलेगा। मैं यहां से चली जाऊंगी। चली जाएगी? कहां चली जाएगी? कहीं भी, शंकर ने मुझे। अच्छा, तो ये लैला मजनू का चक्कर है। ठहरो, हमारा काम कर दो तो अच्छा है, वरना जिस शंकर के सपने देख रही हो इसकी सजा उस गरीब को भुगतनी पड़ेगी।
श्याम जो कहता वो करके दिखाता है। तुम अब भी चाहो तो शंकर की जान बचा सकती हो, वरना ये रुमाल हाथ से गिरते ही शंकर की लाश जमीन पर तड़पती हुई मिलेगी। नहीं नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी हाँ ही उसे बचा सकती है। शंकर! जिद्दी लड़की, अब अपनी आंखों से देख। तीन गिनने तक चाहो तो अपना फैसला बदल सकती हो। एक, मुझे मंजूर है। परेशान हो रहे थे, तुम्हारी बहन ने कितनी आसानी से माल पहुंचा दिया। आइंदा ये काम वही किया करेगी, हमें क्या जरूरत है अपनी कीमती जान को खतरे में डालने की। चीयर्स। चीयर्स। हैरान हो गई। आओ आओ। कल कहां गायब हो गई थी? इंतजार करते करते आंखें थक गई और चक्कर काटते काटते जूते के तले घिस गए। आज हमारे घर आ रही हो ना? आज तो मुश्किल है। अरे यहां तो नक्शा ही बदला हुआ है। सुनो, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। पिताजी रात की गाड़ी से मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए अहमदाबाद जा रहे हैं, उनके सामने ही। मैं मजबूर हूं। ये अचानक तुम्हें हो क्या गया है? मुझे जाने दीजिए शंकर बाबू। हरगिज नहीं, आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश न कीजिए। समझ लीजिए मैं आपकी जिंदगी में आई ही नहीं। ठहरो। अगर यही कहना था तो इतने दिनों तक मुझे बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत थी? प्यार का ये सब नाटक रचाने की क्या जरूरत थी? फरेब का इतना बड़ा जाल फैलाने की क्या जरूरत थी? चुप क्यों हो? बोलो, जवाब दो। नीला, तुम बहुत भोले हो शंकर, लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम कहना क्या चाहती हो? उसके हम दोनों के दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है शंकर, के चाहने पर भी हम मिल नहीं सकते। किसने? मेरे भाई ने। उसकी असलियत तुम नहीं जानते।
शंकर बाबू आइए आइए। माफ कीजिएगा, रात को जरा ज्यादा पी ली थी, हमारा उतारने के लिए तोला था। आप भी थोड़ी लीजिए ना। शुक्रिया, मैं नहीं पीता। ओह, इस वक्त कैसे तकलीफ उठाई? नीला तो स्कूल गई हुई है। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे? बड़ी खुशी की बात है। कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं ये पूछना हूँ कि तुमने अपनी काली करतूतों में नीला को शामिल होने पर क्यों मजबूर किया? काली करतूतें? ये आप क्या कह रहे हैं? बनने की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। बड़ी खुशी हुई ये जानकर, लेकिन आपको शायद ये मालूम नहीं कि रुपया कमाना आदमी का सबसे बड़ा धर्म है, और मैं भी। तुम जहन्नुम में जाओ। लेकिन नीला को इस काम में शामिल करने का तुम्हें क्या हक है? सुबह सुबह आप परेशान क्यों हो रही हैं? विस्की नहीं तो चाय ही सही। मैं जो पूछता हूं उसका जवाब दो, मैं फैसला करके जाऊंगा। फैसला करने आए हो तो कान खोल कर सुन लो, नीला मेरी बहन है और तुम्हें हमारे आपसी मामले में दखल देने का कोई हक नहीं। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि नीला से दूर रहो। शेखर, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं कि नीला को अपने जलील कामों में घसीटने की कोशिश मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं भी तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं शंकर बाबू। तुम अमीर घर के लड़के हो, शादी करने के लिए तुम्हें नीला जैसी 50 लड़कियां मिल सकती हैं। तो तुम बाज नहीं आओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे लिए दूसरी नीला का मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे मजबूर न करो कि पुलिस को तुम्हारी असलियत बतानी पड़े। पुलिस की धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा, वहीं जा रहा हूं। जाओ, शॉप पे जाओ, लेकिन ये सोच लो, जहाज का एक बड़ा ऑफिसर, स्मगलर की बहन के साथ मोहब्बत, पुलिस को ये मानना ही पड़ेगा कि जहाज से चोरी छुपे माल लाने का जरिया तुम ही हो। स्काउंडरल! अभी पुलिस को ला देना, और कुछ दिल में हो तो वो भी कह देना।
अंदर आ जाओ। मैं डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की तरफ से आया। ऊपर जो खून हुआ है उसकी तहकीकात के लिए। खून की तहकीकात के लिए? मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। जी, मुझसे क्यों सर? आप इतना घबरा क्यों रहे? जी, पुलिस का नाम से घबराने लगता हूँ। जिनका खून हुआ है उन्हें आप अच्छी तरह जानते होंगे? जी हाँ। जी नहीं, जी नहीं, भला वैसे आदमी को मैं क्यों जानने लगा? कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। जी जी, कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। कुछ ना कुछ अजी बरसों से जानता हूँ, लेकिन बातचीत करने का कभी मौका नहीं मिला। मिले भी कैसे? दफ्तर में घर की नौकरी करता हूँ और घर में दफ्तर की। इस कुत्ते को ऊपर गुसलखाने में किसने बंद किया था? आपने? जी मैं? अजी कुत्ते के नाम से मैं डरता हूँ, काट ले तो पेट में 14 इंजेक्शन कौन लेगा? ये कुत्ता आप ही का है ना? जी हाँ। जी नहीं, जी नहीं, मैं तो दोनों वक्त दूर से खाना भेज देता हूँ। तो फिर किसका है? जी वो तो उसका है। किसका? मेरे भांजे का। बुलाओ उसे। हाँ बुलाओ। अरे वो डाकू, डाकू इधर आ, पुलिस आप बुला रहे हैं। ये आपका भांजा? जी। आ इधर आ। डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं क्या डर रहा हूँ? चल आ। ये कुत्ता तुम्हारा है? थोड़ी देर पहले तुम इसे ऊपर ले गए थे? नहीं तो? तो तुम्हारा कुत्ता ऊपर वाले बाथरूम में कैसे बंद था? मुझे नहीं मालूम। सच सच बता बेटा। मैं झूठ नहीं बोलता। इधर आओ, आओ मेरे पास। जा, जा ना, जा। स्कूल जा रहे? जी हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मॉडल हाई स्कूल। अच्छा, जब ऊपर खून खून का शोर मचा था उस वक्त तुम कहाँ थे? अपने कमरे में स्कूल का काम कर रहा था। हाँ। सवेरे तुमने किसी को ऊपर जाते देखा? नहीं तो? नहीं। अच्छा, जाओ स्कूल जाओ। नमस्कार। नमस्ते। और कुछ पूछना हो तो बेशक चले आइएगा, आपका अपना ही घर है। अच्छा। ये कहने की क्या जरूरत थी कि आपका अपना ही घर है, चले आइएगा? अरे हाँ, गलती हो गई। गलती हो गई फुद्दू कहीं की। ना ये मुआ होता, ना कुत्ता आता और ना ये पुलिस आती। सचमुच इस कुत्ते ने तो हमें खून के केस में फंसा दिया, सारे मोहल्ले में बदनाम कर दिया है, नाक में दम कर दिया है इस मुंहचले में। आज से इस घर में घुसा तो ताले तोड़ दूंगी। क्यों पीटती हो बेचारे को? चुप रहो। अच्छा अच्छा, चल चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। पैदा होते ही माँ बाप को खा गया, आज हमारे 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 पीछे पड़ गया है, है? चल। रो तो ऐसे रहा है जैसे किसी ने गोली गोली मार दी हो। जा, तू स्कूल जा, तू स्कूल जा। ना मरेगा ना चैन लेने देगा मुआ। Thank you.
क्यों देर से आया? हमारी बिल्डिंग में खून हो गया है सर। क्या खून हो गया? खून ऐसे ही हो जाते हैं? बता क्यों देर से आया? सचमुच खून हो गया है सर। पुलिस के बड़े अफसर आए थे, उन्होंने मुझसे कितना कुछ पूछा। फिर झूठ बोल रहा है? पुलिस अफसर ने तुझसे पूछा है? क्यों, तू क्या डिटेक्टिव शार्लक होम है? छब्बीस आदमी एक काम को करते हैं सात दिन में, तो एक आदमी उस काम को करता है सात गुणे छब्बीस। असली है और नहीं तो क्या नकली? कहाँ मिली? पड़ी हुई मिली? किसी को बताना मत। अच्छा बताओ ना। नहीं नहीं, बच्चे इन चीजों को हाथ नहीं लगाते। जा पिंटू। ठाकुर क्या हो रहा था? कुछ नहीं सर। तुम तस कहा? वो नहीं हुआ सर, हमारे बिल्डिंग में खून हो। फिर कौन? स्टैंड अप अंदर। मॉनिटर सर, डिटेंशन बुक लाओ। छुट्टी के बाद सारा काम खत्म करके तब जाओगे। सर देखिए डाकू मुझे मुंह छिड़ा रहा है। ए डाकू डांकी। कमरे में पड़ा हुआ था, आप पहचानते हैं किसका है? आपके भाई साहब का तो नहीं? मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा आप ये बताइए, आपके घर में कोई ऐसा आदमी आता जाता है जिसका नाम एस से शुरू होता हो? आपका या आपके भाई का कोई मिलने वाला या कोई आपका रिश्तेदार? अच्छी तरह सोच के बताइए। एस नाम का कोई आदमी? जी नहीं। अच्छी बात है, शुक्रिया। आपको बहुत बुकिंग थी। कितना काम बाकी है? तीन सवाल। अरे बाप रे बाप, तीन सवाल? फिर तो एक घंटा लग जाएगा। अरे चुप भी हो जाओ, मेरा सारा सवाल गलत कर दिया। अच्छा अच्छा, काम खत्म करके कॉपी यहीं छोड़ जाना, समझे?
तुझे सच बताना ही पड़ेगा और दुनिया जान जाएगी कि मैं खूनी हूं। अदालत, कानून, जेल, उसके बाद किसे समझाऊंगा? कौन यकीन करेगा? जो कुछ हुआ मैं नहीं चाहता था, हरगिज हरगिज नहीं चाहता था, हरगिज नहीं चाहता था। डाकू, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं? शंकर भैया, सिर्फ मैंने ही तो देखा है और तो कोई नहीं जानता। अगर मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा तो पुलिस तो तुम्हें पकड़ ही नहीं सकती। तुम देख लेना शंकर भैया, मैं पुलिस को कभी नहीं बताऊंगा। डाकू, 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 डाकू। लेकिन तुझसे ये कैसे हो सकता? तू तो अभी बच्चा है, पुलिस के सामने। तू मेरे साथ चलेगा? कहाँ? बहुत दूर, जहाज में, समुंदर पार। तुम मुझे जहाज में ले चलोगे शंकर भैया? हाँ, समुंदर पार। खबरदार, जिस घर में कदम रखा तो पैदा होते ही माँ बाप को खा गया, अब हमारे पीछे पड़ा है। चल निकल यहाँ से, निकल, मुए निकल यहाँ से। तू चलेगा ना डाकू? चलूंगा, जरूर चलूंगा। अब तो हद हो गई है, आने दे तेरे बाबू को। मैं आ गया, क्या हुआ? मेरा सिर, कब से छुट्टी हो गई है और तुम्हारा लाडला अभी तक घर नहीं आया। नहीं आया तो आ जाएगा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं परेशान क्यों हो रही हूँ? न जाने कौन से जन का हमारा दुश्मन है। अरे तू क्यों चुप खड़ा है? बताता क्यों नहीं अपने बापू को जो पिंटू ने बताया है? बता। डाकू के पास एक पिस्तौल था। पिस्तौल? अरे खिलौना होगा। नहीं, सचमुच का। अब तो ऐसे चुप हो गए हो जैसे सांप सूंघ गया है। अगर पुलिस वालों को पता चल गया कि हमने खूनी लड़के को घर में रखा हुआ है तो वो हम सबको जेल में डाल देंगे। तुम घबराओ नहीं बच्चू की माँ, मैं अभी पुलिस स्टेशन में आता हूँ। अरे बच्चू के बापू, ये क्या करते हो? अगर पुलिस स्टेशन में पता नहीं लगना होगा तो भी पता लग जाएगा और वो सबसे पहले तुम्हें जेल में डाल देंगे। फिर हम सबका क्या होगा? कमा कर कौन लाएगा? हम सब क्या खाएंगे? मधुर, बच्चू की माँ, मधुर, पुलिस आप बहुत अच्छे आदमी है, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, मैं उनके पास जाता हूँ। चले गए। हे भगवान,
हे शंकर महाराज, हे हनुमान महावीर बजरंगी। पिस्तौल, बच्चे के हाथ में पिस्तौल, कहीं वो खिलौना तो नहीं है? क्या बताऊं सर, देखा नहीं सुना, तब से सर से पांव तक कांप रहा हूं। मेरा ख्याल है पिस्तौल असली होगा। आज सुबह उसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर खून, कुत्ते का बाथरूम में बंद पाया जाना, उसके बाद ये खबर कड़ी से कड़ी मिलती नजर आती है। सर फिर तो उस बच्चे को फौरन तलाश करना चाहिए। करेक्ट। डाकू अच्छी तरह पकड़े रहना। शंकर भैया Thank you.
हो शंकर भैया, तुमने तो कहा था जहाज पर चलेंगे। पासपोर्ट ले लूं फिर जहाज पर चलेंगे। आओ अंदर आओ। तू यहाँ ठहर, मैं अभी आया। शंकर, अरे बेटा दिन भर कहाँ गायब रहा? सुबह से न नहाया न खाना खाया, और ये हुलिया क्या बना रखा है? माँ, क्या बात है बेटा, क्या हुआ? बोल बेटा, क्या हुआ? बताऊंगा माँ, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। तुझे मेरी सौगंध है, क्या बात है, बोल बेटा। तेरे चेहरे से ही मालूम हो रहा है कोई बहुत बड़ी मुसीबत तुझ पर आ पड़ी है। बोल बेटा, अपनी माँ से नहीं बताएगा? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, देखो जाने से ना जाने क्या क्या हो जाएगा। शंकर, शंकर, मिस्टर गुप्ता है जी? यहाँ तो नहीं देखा, शायद डांसिंग हाल में। ठीक, तेरा
कातिल, अभी कातिल जवां कातिल है, वही हम भी वही दिल भी जहां कातिल है, मेरा कातिल हसी कातिल जवां कातिल है, वही हम भी वही दिल भी जहां कातिल है, इधर आजा छुपा लूं मैं तुझे आंखों में, कोई जाने पहचाने कहां कातिल है, ला ला यहाँ मिस्टर गुप्ता है जी, यहाँ तो नहीं देखा शायद डांसिंग हाल में। ठीक, गुड इवनिंग मिस्टर गुप्ता। गुड इवनिंग। मैं आप ही से मिलने आया था। मुझसे? वेल कम टू माय टेबल, सिट डाउन। थैंक यू। व्हाट विल यू हैव? व्हिस्की? नो थैंक्स, मैं एक जरूरी काम के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हैंग योर जरूरी काम, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, दिस इज लाइफ माय बॉय, दिस इज लाइफ। दो विस्की बड़ा। हेलो चौधरी। हाँ स्ट्रेंज, तुम यहां कैसे? हु आर यू टू क्वेश्चन हिम? सिट डाउन। हमारी कंपनी का कोई जहाज रवाना होने वाला है। जहाज? सब जहाज एक दिन बंदरगाह छोड़कर चले जाएंगे, कोई नहीं रुकेगा, कोई नहीं रुकेगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब था। कोई फायदा नहीं शंकर, ये साथ मूड में है। लेकिन अचानक ये जहाज क्यों तलाश कर रहे हो? फिर कभी बताऊंगा, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, यहाँ से कहीं बहुत दूर चला जाना चाहता हूँ। कहीं मोहब्बत में धोखा तो नहीं खा बैठे? टेक इट इजी माय बॉय, टेक इट इजी। देखो परसों हमारा जहाज जाने वाला है, सुबह से ऑफिस में मिल लो। अब आप एक जरूरी ऐलान सुनिए। 9 साल का एक लड़का सुशील कुमार उर्फ डाकू
स्कूल से लापता है। उसका पहनावा इस प्रकार है, खाकी निक्कर, गुलाबी रंग की कमीज और सफेद जूते। हमारी आप सबसे साथ अब तो मुझे अपने साथ ले चलोगे ना? पुलिस तुझे ढूंढ रही है डाकू। हाँ मेरे साथ आ। उठोगे नहीं? दिन निकल है। भूख लगी है? हाँ। हाँ देखिए यहाँ कुछ मिलता है कि नहीं। चलो हत्यारे ने जुल्म किया बता बेटी, छुपा क्यों रही है? बोल, किस दुष्ट ने तेरे भाई का खून किया? छुपाऊंगी नहीं, आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार शंकर बाबू से, शंकर क्या कहना चाहती है तू? बोल बोल क्या कहना चाहती है? शंकर जहाज में ले चलना। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं। माँ से दूर जा रहे हो इसलिए दिल उदास है, ठीक? तुम्हारा दिल उदास नहीं? मेरी तो माँ नहीं है ना। तुमने कहा था सुबह जहाज के दफ्तर में जाना है, भूल गए? नहीं, याद है। लेकिन तू यहाँ अकेला? मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, पुलिस तुम्हारी तलाश में है, जरा होशियारी से रहना, कल की तरह इधर उधर न चले जाना। तुम कब लौटोगे? मैं ये शायद थोड़ी देर लग जाए, भूख लगे तो खा लेना। वापस आकर मुझे अपने साथ ले जाओगे ना? हाँ हाँ। सैंपल प्लीज। ये बात
अल्लाह के हाथ क्यों उड़ा है हा? ऐसा जो कर एक बार सर्कस में देखा था। क्यों रे मुर्गे, हम वर्ल्ड फेम का आदमी है, जोकर है, एक थप्पड़ लगाऊंगा तो सारे दांत रोड पर नजर आएगा। हाँ अरे वाह, मेढक जैसी शक्ल और भैंस जैसी अक्ल, नालायक बदमाश। मिस्टर चौधरी, आई बी ग्लैड टू टेक यू इन। आप कब तक रिपोर्ट कर सकते हैं? जब भी आपका हुक्म हो। ठीक है, तो आज शाम को चार्ज ले लीजिए, जहाज सुबह पहली टाइट के साथ रवाना हो जाएगा। कैरी योर पेपर्स। थैंक यू सर, थैंक यू। सो लॉन्ग। यूरेका! अब क्या हो गया दादा? मिस्टीरियस मर्डर सॉल्व्ड, उलझा हुआ खून का मामला सुलझ गया। ओफो, ये पिकनिक पर आकर भी खून की बातें? अरे उसकी बातें छोड़ो, दिन भर जासूसी किताबें पढ़ता रहता है। चलो चलकर देखें यार, चलो देखा जाए। मैं तो उस लड़के को देखकर ही पहचान गया था कि वो खूनियों के गिरोह का है। देखो देखो। वाह दादा वाह, तुमने तो स्कॉटलैंड यार्ड के जासूसों को भी मात कर दिया। इधर उसे पकड़ा, उधर इन हमसे जेबे भर जाएंगे। Boys, quick, follow me. Just a minute. Follow me. शेखर बाबू के कमरे से निकलकर छुपा दिया। फिर वो आदमी शेखर बाबू के कमरे में चला गया और मैंने उठा लिया। उसके बाद? और जब मैं स्कूल के बाहर निकला तो वो आदमी गेट के पास खड़ा था और उसने गुस्से से कहा, मेरी पिस्तौल दे दो, और मैंने डर के पिस्तौल दे दी। बोटैनिकल गार्डन तुम कैसे पहुंचे? उस आदमी के साथ। कौन है वो आदमी? आप उस आदमी को देखो तो पहचान सकोगे? जी हाँ। कैसा वो आदमी देखने में? देखने में? हाँ देखने में, बोलो। ये मोटा ताजा सा, बड़ी बड़ी मूछें, लंबे लंबे बाल और बीच में मांग। May I go out, sir? बैठ जाओ। तुम फिर झूठ बोल रहे हो? सच सच बताओ। सर यू कीप क्वाइट। बंद कर दी। सब कुछ बता तो दिया और मैं कुछ नहीं जानता। सर माय गॉड। सर आप शेखर के जिगरी दोस्त, बड़ी खूबियों के मालिक, इनका नाम हमारे रिकॉर्ड्स में भी है। इन लोगों को साथ वाले कमरे में ले जाओ। सर आप भी जाइए। क्या नाम है? जी श्याम सुंदर। ओ श्याम सुंदर आ भी हैं? जी हाँ। तो ये मुरली मनोहर साहब, ये शेखर का खून करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? जी कुमाल के बंटवारे का झगड़ा हो गया था।
शेखर का खून? ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तक आकाश में विचर रहे हैं, जरा धरती पे उतर आइए ना। भगवान के स्वागत, मैंने खून नहीं किया, नहीं मैं खून के बारे में जानता हूँ। और ये भी नहीं जानते कि आपके सारे साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, बमय आपके उस्ताद जग्गू के? तो उन लोगों से मालूम हो जाएगा कि मैं एक हफ्ते से शहर में नहीं था। शहर में नहीं थे तो तुम्हारा ये लाइटर शेखर की लाश के पास क्या उड़ के पहुंच गया? लाइटर जो मैं तो माचिस मेरी माचिस आदि के पास है, मैं तो हमेशा माचिस से इस्तेमाल करता हूँ। वो तो देख ही चुका हूँ, तुम्हारा सब खेल खत्म हो चुका है। तुम्हारा नाम एस से शुरू होता है और इस लाइटर पर भी एस लिखा हुआ है, और शेखर की बहन ने भी कहा। शेखर की बहन? शेखर की बहन तो कहेगी सर, शंकर की वजह से हमारी जान की दुश्मन बनी हुई है। शंकर? ये शंकर कौन है? इतना बड़ा खतरा मोल लेकर तो यहां क्यों चला है शंकर? भाग जा, माँ होकर मैं तुझे कह रही हूं, यहां से कहीं दूर भाग जा। मैं कल सुबह के जहाज से जा रहा हूं। तू जा रहा है शंकर? तुझे अपने से अलग कर दो, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बुढ़ापे में कभी ये दुख भी देखना पड़ेगा, लेकिन ममता की मारी एक दुखियारी माँ के लिए इतना ही बहुत है। आंखों से ओझल होते हुए भी उसका बेटा कम से कम इस दुनिया में जिंदा तो रहेगा। शंकर अभी एक पल की भी देर न कर, नीला यहीं पर है, वो कहीं तुझे गिरफ्तार न करवा दे। नीला यहीं पर है, वो मुझे गिरफ्तार करवा देगी? नहीं माँ, नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो कल से तुझे तलाश कर रही है, तू यहाँ से चला जा शंकर, भाग जा। तलाश कर रही है गिरफ्तार करवाने के लिए? माँ ये तुम्हारी भूल है। गिरा हुआ काम भी कर सकते हो, ये मैं नहीं जानती थी। नीला, क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा नीच काम करने की? मैंने ये तो नहीं कहा था कि मेरे लिए तुम किसी की जान ले लो। तुम भी मुझ पर यही इल्जाम लगा रही हो? मैंने सोचा था दुनिया में एक तुम ही हो जो मुझे कोई गलत नहीं समझ सकते, जो उस दिन के लिए मेरा इंतजार करोगी जिस दिन कलंक का ये काला टीका मेरे माथे से उतर जाएगा। लेकिन ये मेरी कितनी बड़ी भूल थी, कितनी बड़ी भूल। अब मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, जिसके लिए मैं जीना चाहता था। जब भी बुलाओ पुलिस को, मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। देर क्यों कर रही हो? फोन करो पुलिस को। ना मैं बुलाता हूं। चौधरी की मां? जी। आपका लड़का कहां? वो घर पर नहीं है। नगर की तलाशी लेना चाहता हूं।
शहर के इतने बड़े डॉक्टर की बीवी, इतने बड़े घर की मालकिन, और आप समझते हैं कि झूठ बोल रही है? और साहब मकान की क्या, सारे मोहल्ले की तलाशी ले लीजिए, आइए। आप भी आइए। राधा अंदर कौन है? मेरी लड़की। आपको बहुत तकलीफ दी। तकलीफ? साहब परेशान कर डाला, उनका मामला, घर की तलाशी, सब हार्ट अटैक होते होते रह गया। तशरीफ लाइए, आइए। डाकू, डाकू, डाकू! जल्दी चलो।
मैं जा रहा हूं, शायद इस जिंदगी में अब कभी ना मिल सके। यस मरीन हाउस, आज जो जहाज रवाना हुए हैं उनकी लिस्ट देकर बताइए किसी जहाज पर शंकर चौधरी नाम का कोई ऑफिसर है। शंकर चौधरी, यस है। हाँ, गिव मी द डिटेल्स प्लीज। हाँ, जहाज कब रवाना हुआ था? मॉर्निंग टाइम। अब भी टाइम है, आइडेंटिफिकेशन के लिए लड़के को साथ लेना जरूरी है। ऑन क्विक क्विक। जल्दी करो। गुड मॉर्निंग कैप्टन। गुड मॉर्निंग, फरमाइए क्या खिदमत कर सकता हूँ? आई एम ए डिटेक्टिव ऑफिसर। आई सी, मैं अभी बुलवाता हूँ। अच्छा, चौधरी को मेरे पास भेज दो। यस सर। आइए। कम इन। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, तुमसे कुछ बातें पूछना चाहते हैं मिस्टर चौधरी। थैंक यू। फरमाइए। अभी कुछ दिन पहले आप विदेश से लौटे हैं ना? जी हाँ। तो फिर ऐसी क्या बात होगी कि इतनी जल्दी फिर वापस विदेश जा रहे हैं? ये मेरा जाती मामला है। जाती होने पर भी मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है, लेकिन मैं मजबूर हूं। आपकी मर्जी, मगर याद रखिए, सच कभी छुप नहीं सकता। मतलब? क्या आप इनकार कर सकते हैं कि नीला के भाई शेखर को आपका उससे मिलना जुलना हरगिज पसंद नहीं था? क्या आपको इनकार है कि आप कुछ दिन पहले नीला के घर आए थे?
क्या आप इनकार कर सकते हैं कि आपने शेखर को गोली का निशाना बनाया और इसी वजह से इतनी जल्दी देश छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं? मैं आपके हर इल्जाम से इनकार करता हूं। क्या आप इससे भी इनकार करते हैं? जी हां। अच्छा मिस्टर चौधरी, अगर मैं आपके सामने किसी ऐसे आदमी को पेश करूं जिसने अपनी आंखों के सामने आपको खून करते देखा है, फिर? मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं समझे? अंदर ले आओ। यही है ना वो आदमी जिसे पिस्तौल हाथ में लिए तूने शेखर के कमरे से बाहर निकलते देखा था? यही है ना वो आदमी जो तुझे स्कूल से बहका कर ले गया था? यही है ना जो तुझे गंगा किनारे छोड़कर भाग गया था? है ना बेटे, यही है ना वो आदमी? बोल बोल बेटे, सच बोल। नहीं। तू फिर झूठ बोल रहा है, सच सच बता, है ना वही आदमी? नहीं तो। देख बेटा, मैं जानता हूं उस आदमी ने खून किया है, लेकिन तू इसे बचाना चाहता है। तू समझदार है बेटा, खून करना बहुत बड़ा पाप है। अगर खूनी को सजा ना मिले तो वो कल फिर किसी और आदमी का खून करेगा। इसे सजा पाने दे बेटा, इसने एक आदमी की जान ली है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। आ देख, अच्छी तरह देख, है ना वही है ना, वही है ना बेटे? नहीं, मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा, पहचानता भी नहीं। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, मेरा ख्याल है आपको धोखा हुआ है। चौधरी अपने काम पर जाओ। थैंक यू सर। हमें धोखा नहीं हुआ कैप्टन, इतनी बड़ी भूल हमसे कभी नहीं हो सकती। लेकिन आपके गवाह ने तो साफ इनकार कर दिया कि उसने कभी मिस्टर चौधरी को देखा ही नहीं, जानता ही नहीं। कमेन सर, डाइट का वक्त हो रहा है। ओके, जहाज छोड़ने का वक्त हो गया। विश यू गुड लक। थैंक यू कैप्टन। थैंक यू। हाथ आए हुए मुलजिम को छोड़ने पे मजबूर हो गया। ठहरो, जहाज के कप्तान से कह दें कि अगर बाद में ये लड़का मान जाए तो अगली बंदरगाह पे। अरे ये लड़का कहां गया? जरूर शंकर से मिलने गया होगा, यही मौका है। क्विक शंकर भैया, शंकर भैया। तू चल जा डाकू, यहाँ से चला जा। तुमने तो कहा था अपने साथ जहाज में ले जाऊंगा और अब भाग रहे हो। मैंने झूठ कहा था तुझे बहलाने के लिए। झूठ? तुमने मुझसे झूठ बोला था? जा डाकू, भाग जा, पुलिस ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, जा। मेरी बात नहीं मानेगा? Thank you.
छोड़कर नहीं जाओगे ना? तुमने अपनी आंखों से मुल्जिम शंकर गोली चलाते हुए देखा? नहीं, शंकर भैया ने गोली नहीं चलाई। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुमने जहाज पर झूठ बोला, पुलिस स्टेशन पर झूठ बोला और अभी अपना झूठ बोल रहे हो। कहते क्यों नहीं कि शंकर को तुमने अपनी आंखों से गोली चलाते हुए देखा है? शंकर भैया ने गोली नहीं चलाई। छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, खून के इस केस में 9 साल का ये बच्चा ही सिर्फ ऐसा गवाह है जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। और वो बच्चा जब अदालत के सामने रो रो कर कह रहा है कि शंकर भैया ने खून नहीं किया, तो मिस्टर शंकर के खिलाफ लगाया गया खून का ये इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। योर ऑनर, लाखों गुनेगार भले ही कानून की गिरफ्त से भाग निकले, लेकिन कानून एक बेगुनाह को सजा देकर गुनेगार बनना हरगिज पसंद नहीं करेगा। योर ऑनर, हमारे काबिल दोस्त ने जो भी कुछ थिएट्रिकल तरीके से अदालत के सामने रखा है उसमें जज्बात ही जज्बात है, हकीकत कुछ नहीं। हकीकत यह है कि मुलजिम से यह लड़का डाकू बेहद प्यार करता है और उस प्यार की वजह से मुलजिम की जान बचाना चाहता है। योर ऑनर, इस लड़के से हम इतनी देर से पूछ रहे हैं लेकिन ये तोते तरह वही बता रहा है जो कि उसे पढ़ाया और सिखाया गया है। योर ऑनर, अगर गवाह डाकू सिर्फ सिखाई पढ़ाई बातें ही कहता तो मेरे काबिल दोस्त जिनकी जिरा के सामने बड़े बड़े फर्जी गवाह भी असलियत बयान करने पर मजबूर हो जाते हैं, 9 साल के एक मासूम बच्चे की क्या मजाल थी कि वो ज्यादा देर तक हकीकत को छुपाए रखता। योर ऑनर, कभी कभी इंसान कांच को हीरा समझकर धोखा खा सकता है। योर ऑनर, अगर मेरे काबिल दोस्त जैसा पक्का जौहरी भी हीरे को कांच समझ बैठा है तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो फौरन अपने चश्मे का नंबर तब्दील करवा ले। योर ऑनर, टू दैट आई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्शन सस्टेन। योर ऑनर, अगर ये लड़का डाकू सच्ची कह रहा है तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि मौके पर चलकर इसने जो भी कुछ देखा है हूबहू अदालत के सामने पेश करे। इतने छोटे से बच्चे के लिए ये सब कुछ करके दिखाना कैसे मुमकिन है? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, एक मासूम बच्चे से इतनी बड़ी उम्मीद रखना मुनासिब नहीं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल, कोर्ट ऑर्डर्स फॉर इनएक्टमेंट ऑफ द सीन। शेखर बाबू यहाँ खड़े थे और यहाँ शंकर भैया और मैं सुराख से झांक रहा था। तुमने क्या देखा? शेखर बाबू किसी बात पर बड़े जोर से हंस रहे थे, कहने लगे पुलिस की धमकी दे रहे हो, और भी कुछ कहा। शंकर भैया ने पकड़ कर फेंक दिया, शेखर बाबू बिस्तर पर गिर पड़े। और पिस्ता निकाल के शंकर भैया पीछे ये है फोटोग्राफ। और गोली लगी यहाँ। ये है वो फोटोग्राफ। उसके बाद? उसके बाद? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शंकर भैया ने शेखर बाबू के हाथ को जो के झटका दिया और पिस्तौल दूर जा गिरी। फिर क्या हुआ? फिर पिस्तौल के लिए दोनों झपट पड़े। शेखर बाबू पिस्तौल उठाने की कोशिश करते और शंकर भैया रोकने की। आने पिस्ता शेखर बाबू के हाथ आ जाती है। भैया छीनने की कोशिश करें, छीनने की कोशिश करें। आइए पकड़िए मेरा हाथ, पकड़िए मेरा हाथ। गवाह श्रीमान डाकू के बयान को हरफ बा हरफ सही तस्लीम करते हुए
मिस्टर शंकर चौधरी को खून के इल्जाम से बाइज्जत बरी किया जाता है। और इस केस में श्रीमान डाकू ने एक बेगुनाह को मौत की सजा से बचाने के लिए जो काबिल तारीफ काम किया, कानून उसका शुक्रगुजार है। और मैं हक और इंसाफ के नुमाइंदे की हैसियत से श्रीमान डाकू को मुबारकबाद देता हूं। कितना लायक बच्चा है, और वो भी क्यों नहीं, किसका भांडा है वो भी तो देखिए। मुझे छोड़कर फिर भाग रहे हैं शंकर भैया? डाकू, तुझे छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ?